हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, यह है सन फ्लावर, जिसे हम सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। तो इसी का आज मैं आप लोगों को प्राकृतिक उपचार करना सिखाऊंगा। वैद्य लोग दवा तो दे देते हैं, लेकिन जानकारियां नहीं बताते। उन्हें डर रहता है कि हमारे दवा को जान करके कोई और हमारे जैसा वैद्य ना बन जाए, पैसा कमाना ना सीख जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को फ्री में आप सभी को आयुर्वेदिक उपचार सिखाता हूँ। वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के कारण हमारे शरीर में बीमारी होती है। ये सारे जानकारी मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और जो मैं आप लोगों को उपचार सिखाता हूँ, यह स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को भी आप जो है बता सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं, दूसरे को दे करके पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटी पेड़ पौधों में प्राण होती जो कि स्वयं को नष्ट करके दूसरे की जिंदगी की रक्षा करती हैं। और इनमें औषधि गुण सबसे ज्यादा भरा होता है दोस्तों, जो कि मुर्दे समान व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं, अगर सही विधि में खन करके लाया जाए, इसका प्रयोग किया जाए। तो आइए जानते हैं ये सूरजमुखी है, इसका प्रयोग कौन सा बीमारी में किस प्रकार से किया जाता है, थोड़ा विस्तार से जानते हैं। और थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा, प्राचीन समय में जब हॉस्पिटल मेडिकल नहीं था, तो उस समय प्राकृतिक उपचार करते थे। प्राकृतिक तरीके से किए गए उपचार से कोई भी बीमारी 100% ठीक हो सकती है, बस थोड़ा सा परहेज चाहिए। तो सबसे पहले इसके फायदे इस प्रकार से आप ले सकते हैं, इसमें दांत के दर्द दूर करने के लिए। अगर दांत में दर्द की परेशानी है तो इसके जड़ को पीस करके दांतों पर मलने से दांत के दर्द ठीक हो जाते हैं। कान में दर्द होते हैं तो इसके तेल को एक से दो बूंद कान में डालने से कान के दर्द दूर हो जाते हैं। इसके बाद मैं पिछले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ, घेंघा रोग, जिसे गलकंड के नाम से हम आयुर्वेद के भाषा में जानते हैं, इससे अगर कोई परेशान है तो ध्यान दीजिए। ये थोड़ा जानकारी पेन कॉपी में नोट करके रख ले, हो सकते हैं ये बाद में काम आ जाए, किसी को आप बता सकते हैं उपाय। तो सूरजमुखी का जड़ और लहसुन, ये दोनों को पीस करके गले पर लेप करने से गलकंड या घेंघा रोग है, इसमें काफी आराम मिलता है, ठीक हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये पेट के कृमि को ठीक करने का काम करते हैं। 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सूरजमुखी के बीज खिला देने से पेट की कृमि निकल जाती है। अब वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, अब इधर की जानकारी आपको भविष्य में काम आ सकते हैं। जैसे कि स्टोन को ठीक करते हैं, यानी कि पथरी को। आजकल के प्रदूषित खान पान की वजह से गलत कहा जाए ऐसे हम चीजों को खा लेते हैं जो कि पचने का नाम ही नहीं लेते, तो हमारे पेट में जाकर के स्टोन बन जाते हैं, या कहा जाए बहुत से कारण हो सकते हैं पथरी बनने के। तो 2 ग्राम इसके जड़ को गाय के दूध में पीस करके पिला देने से पथरी टूट करके निकल जाते हैं। कोई भी देखिए, मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं, लेकिन जो जानकारियां होती हैं हमेशा यूजफुल होती हैं, फायदेमंद साबित होती हैं। इसके पत्ते को पीस करके योनि पर लगाने से योनि के घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। काम शक्ति बढ़ाने के लिए 3 ग्राम सूरजमुखी के बीजों को 200 मिलीलीटर दूध में उबाल करके मिश्री मिला करके पीने से काम शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही दोस्तों, ये इसका एक और फायदा चले मैं बता देता हूँ, अंतिम फायदा के रूप में समझ लीजिए। तो सूरजमुखी के अंतिम फायदे इस प्रकार से हैं, ये अस्थमा को ठीक करते हैं। इसके पंचांग के चूर्ण में त्रिकुट मिला करके सेवन करने से, और बाद में चावल के पानी ले सकते हैं, चावल के पानी के साथ में या घी खिला देने से सांस संबंधी रोग यानी कि अस्थमा जो है ठीक हो जाते हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे मोटे फायदे जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना, और अगर कोई भी आप जानकारी रखते हैं इसके बारे में कोई फायदा, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके द्वारा बताई गई जानकारी साझा की जाएगी। धन्यवाद।